नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। राजधानी लखनऊ में पांव पसार रहे डेंगू को लेकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी पीके श्रीवास्तव ने नगर की जनता से अपील की। साथ ही नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने नगर में साफ सफाई को लेकर सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सर, लगातार संचारी रोगों को लिए रोकथाम के लिए लगातार टीमें जा रही हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मच्छरों का भरमार है, वहां पर एंटी लार्वा फॉगिंग आदि का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं, तो अभी तक आपने कहां कहां निरीक्षण किया है, या अगर आज की बात की जाए तो आप कहां पर निरीक्षण किए? नहीं, हम तो रोज़ाना जो है नियमित तौर से एक दो वार्ड सुबह भ्रमण करते हैं, तो पढ़ने के दो पर भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं। सभी टीमों को निर्देश है कि अपने पूरे वार्ड को मैं प्लान बना के कवर कीजिए, और जहाँ से भी हमें फीडबैक मिलता है किसी भी माध्यम से, चाहे कि सीएम ऑफिस से या मीडिया से, सोशल मीडिया से, कहीं से भी फीडबैक मिलता है, तो वहाँ पे अलग से एक्टिविटी कराने के लिए निर्देश है सबको। किसी भी तरह से भी कहीं से भी कोई इनपुट मिले तो वो छूटने ना पाए कोई एरिया, हर एरिया कवर हो जाना चाहिए। जैसे बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर डेंगू के पेशेंट पाए गए हैं, कुछ एकाध डेथ भी हुई हैं, तो उन जगहों के लिए क्या उनको संवेदनशील बाल के उन जगह पर साफ सफाई की व्यवस्था किस तरीके की, क्या व्यवस्था है वहाँ के लिए? नहीं, जो हमारे जिसको आप बता रहे हैं जहाँ डेंगू केसेस होते हैं, उसको हम लोग एज ए हॉट स्पॉट ट्रीट करते हैं, और हमको सीएम ऑफिस से और डीएमओ से वो डेली मिलती है सूचना हॉट स्पॉट की, और उसको हम अपने फील्ड में शेयर कर देते हैं हमारे सोर्स से, जिससे कि वो सेम डे वहाँ पे जाके एक्टिविटी करते हैं फॉगिंग और एंटी लार्वा की और साफ सफाई की। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि कहीं ना कहीं साफ सफाई को लेकर के व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं या घर के लोग हैं जो अभी भी अपने कूलर्स में और ऐसी जगहों पे पानी इकट्ठा रखते हैं। पिछली बार ऐसा होता था कि ऐसा जब कोई पाया जाता था तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाता था, चेकिंग भी होती थी, तो अब की बार कुछ इस टाइप का कोई व्यवस्था की गई या नहीं? नहीं, व्यवस्था वही है, सेम है कि जहाँ भी इस तरह का केस है, लार्वा पाए जा रहे हैं, एजुकेट किया जा रहा है लोगों को, ज़्यादातर एजुकेट करते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है तो पेनल्टी के लिए निर्देश दिए गए हैं सफाईज को और सुपरवाइजर्स को भी, ऐसे लोगों को पेनल्टी लगाएं। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम थोड़ा सा एजुकेट करें लोगों को, तो हम सोशल मीडिया से और हर माध्यम से लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से आप रिसोर्स कम कर दीजिए घर में पानी, पेनल्टी का भी प्रोविज़न है, वो भी कराई जा रही है। सर, डेंगू से बचाव के कोई उपाय बताएं जिससे लोग जागरूक हो सकें? डेंगू से बचाव के उपाय वही हैं कि सबसे पहले तो हमको मच्छर पैदा कम हो, उसके जो सोर्स हैं हमारे, ज़्यादातर ये मच्छर साफ पानी में होता है, तो घरों में जहाँ भी हमारे पानी गमलों में, कूलर में, या कहीं नारियल के फूल में, टूटे खिलौनों में, बर्तनों में पड़े हुए हैं पानी, लंबे समय तक पानी पड़ा हुआ है, तो वहाँ मच्छर लार्वा पैदा होने लग जाता है, तो घर में लोग थोड़ा ध्यान रखें, ये एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब बाहर निकले कहीं पब्लिक प्लेस में जाएं तो इस सीज़न में फुल आस्तीन के कपड़े पहने, है ना, और अपने लेवल से यही बचाव कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अगर बात की जाए तो लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर लगातार सभी जोनों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं वो नगर निगम मुख्यालय है मेरे पीछे, और आप देख सकते हैं कि हमारे नगर निगम मुख्यालय के आसपास में ही इतना बड़ा अतिक्रमण है गाड़ियों का, जिसका अंदाज़ा आप खुद देख करके लगा सकते हैं। तो ऐसे में नगर निगम जो पूरी तरीके से अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार ये कवायद कर रहा है, उसके बावजूद भी नगर निगम अतिक्रमण को क्यों नहीं हटा पा रहा है? छोटे छोटे दुकानदारों का अतिक्रमण हटा दिया जाता है, कई ऐसे जोन है जहां पर अभी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है, जेसीबी चलाई गई, दुकानें तोड़ी गई, सड़क से जो लोग कब्जा किए थे उनको हटाया गया, लेकिन क्या एक बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि लखनऊ नगर निगम के पास में ही यानी उसके पड़ोस में ही गाड़ियों का बड़ा अंबार रहता है, जबकि यहाँ भूमिगत पार्किंग है, उसके बावजूद भी यहाँ पर गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती हैं। गाड़ी तो बाहर खड़ी होती है वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए तो लखनऊ नगर निगम मुख्यालय के जस्ट बगल में सब फोर व्हीलर गाड़ियों का यहाँ पर उसके गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, गाड़ियों का डेकोरेशन होता है, और यहाँ से लगा के महापौर सुषमा खरकवाल के घर तक गाड़ियों का अंबार रोड पर लगा रहता है। तो ये बड़ा सवाल है कि नगर निगम
कब तक इस अतिक्रमण को हटा पाएगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।